हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दो वीडियो आज की डेट में आ चुकी है, जाके देख लीजिएगा। देखिए, हम अभी एशियन ग्रैनाइटों का राइट इशू यहां पर अप्लाई कर रहे थे तो एक यहां पर एरर आता हुआ दिखाई दिया था, और एरर भी नहीं कह सकते, एक यहां पर नोटिफिकेशन आता हुआ दिखाई दिया था जहां पर लिखा था कि एप्लीकेशन नॉट एक्सेप्टेड एज प्रोडक्ट कट ऑफ टाइम इज लेस देन करंट टाइम। ओके, ये लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं मार्केट में, बहुत सारे नए लोग होते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ताकि कभी भी इस तरीके की, जब भी आप IPO अप्लाई करने जाते हैं या फिर राइट इशू अप्लाई करने जाते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी मार्केट में, कोई भी इवेंट को प्लान करने जाते हैं, उस केस में अगर ये लिखा आता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड। तो जैसे कि अभी हम एशियन ग्रैनाइटों का अप्लाई कर रहे थे तो हम नेट बैंकिंग पे गए थे तो हम एसबा के थ्रू यहाँ पर राइट इशू आपको लाइव में शो कर रहा था, सारा प्रोसेस यहाँ पर बता दिया, बट लास्ट में अप्लाई कर किया था, जब प्रोसेस पे हमने किया था तो एक ये लिखा आ रहा था, एप्लीकेशन नॉट एक्सेप्टेड एज प्रोडक्ट कट ऑफ टाइम इज लेस देन द करंट टाइम, तो एज इट इज मेंशन। ओके, इसमें जैसे कि बता रहा है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा एज प्रोडक्ट कट ऑफ टाइम, जो इसका कट ऑफ टाइम है ना, इज लेस देन द करंट टाइम, मतलब करंट टाइम से यहाँ पर लेस देन है, मतलब जो अभी टाइम चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर 5:44 हो रहे हैं, ओके 5:44 हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर एक टाइम होता है। जैसे कि आपने देखा है IPO अप्लाई करने का टाइम क्या होता है, कभी भी यहाँ पर आप गूगल पर जाएंगे, ओके IPO अप्लाई टाइम, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आप जब भी डेट ओपन होती है तो आप केवल 5 बजे तक ओके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 10 AM to 5 PM, मतलब 10 बजे शुरू होता है, 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पर राइट इशू के लिए भी होता है, सेम यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर किसी भी ऑफिस जाते हैं तो आपका ऑफिस 10 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखाई देता है, तो इसी तरीके का ये प्रोसेस होते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको याद रखिए, 5 बजे के बाद जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे, ओके आप 5:30 बजे जा रहे हैं, 5:15 बजे जा रहे हैं, 5:05 पे जा रहे हैं, 5:01 पे भी जा रहे हैं, तो आपको एक यहाँ पर लिखा आएगा, एप्लीकेशन नॉट एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कट ऑफ टाइम इज लेस देन करंट टाइम। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पर जो आपको अप्लाई करना है तो 5 बजे से पहले करना है और 10 बजे के बाद करना है। ओके, अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन के बिटवीन करेंगे तो ओके है, अगर आप बाद में करते हैं या फिर पहले करते हैं तो इस तरीके का को एक एरर दिखाई देगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर राइट इशू का टाइम था 10 अप्रैल, ओके सॉरी 10 मई, 10 मई तक हम अप्लाई कर सकते हो, 10 मई मतलब ट्यूजडे तक हम 10 बजे से लेके 5 बजे का या फिर जो भी एक टाइम होता होगा, ओके 10 से 5 तक का, उसी दौरान हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो आप उसी दौरान आप यहाँ पर ट्राई करिएगा अप्लाई करने का, तो इस तरीके का यहाँ पर एरर नहीं आएगा और आप यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर अपना राइट इशू, अपना IPO या कोई भी इवेंट को आप प्ले करने जा रहे हैं थ्रू एसबा या थ्रू एनी अदर ऑप्शन, तो आपका इजीली अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक वीडियो था जो मेरे को आपको बताना था, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस निकल के आते रहते हैं जिसको बारे में बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे वीडियोज पर इसी तरीके का कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करिएगा, उसका एक वीडियो बनाया जाएगा और आपको यहाँ पर बताया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं, सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा अगर इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो और अच्छी लगे ऐसी इन्फॉर्मेशन, तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।